हेलो एंड नमस्कार सभी को। ये एक स्पेशल वीडियो है जो कि मैं कर रही हूँ स्थिति को देखते हुए। इस समय सिचुएशन इतनी टेंस हो रखी है कि मुझे लगा कि मुझे भी आगे आगे ये अपील करनी चाहिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से। 14 अप्रैल को एक बहुत ही अच्छा और समझदारी बड़ा डिसीजन लिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, और उन्होंने 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया, 10th सीबीएसई एग्जाम को, लेकिन 12th के जो सीबीएसई एग्जाम है उनको पोस्टपोन किया गया। और ये पोस्टपोनमेंट करीब 2 महीने का है, क्योंकि जो डिक्लेयर किया गया है वो 14 अप्रैल को किया गया है, और 1 जून को ये कहा गया है कि फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी, और 15 दिन का टाइम बच्चों को दिया जाएगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि 15 जून से पहले एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं, तो 2 महीने के लिए सीधे सीधे ये एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं। इस समय जो स्थिति है कोरोना की, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालत लगातार बिगड़ रही है, और हम आप या कोई भी ये डेफिनेट सिचुएशन में हम डेफिनेटली ये कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम्स ऑफलाइन हो पाएंगे। तो अगर सिचुएशन ये है तो बच्चों को 2 महीने तक अधर में लटका के रखना कहाँ तक वाजिब है, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पे कोई डिसीजन अभी क्यों नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि 10th के केस में किया गया है, वैसे ही 12th के बच्चों को भी प्रमोट किया जा सकता है। 12th के बच्चों के पास उनका क्लास 10th का रिजल्ट भी है, उस पे भी कुछ वेटेज रख सकते हैं। साल भर स्कूल्स ने असेसमेंट लिए हैं, कई जगहों पर प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं। और प्रैक्टिकल्स के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, या बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए बच्चों को लैब की ज़रूरत होती है और लैब में जाके प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बाकी ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, उनमें प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चे को स्कूल में ही आना है, वन टू वन एग्जामिनर्स को फेस करके और आइडेंटिटी वेरीफाई